मम्मी आज डिनर में क्या बना रहे हो? आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। भिंडी ही क्यों? क्योंकि मुझे रेसिपी ट्राई करनी थी। वैसे हम ही मिले थे ट्राई करने के, इसीलिए। और देखो, इसमें पहले मैंने भिंडी काट ली है, धो के अच्छे से साफ करके, और मैं अब इसमें डालूंगी हल्दी थोड़ी सी, और इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के लिए, जितना आपको अच्छा लगे उतना नमक। और अब क्या? हल्दी फिर से हल्दी डाल दी थी मैंने पहले, कितने मिर्च डाल दी थी ना, हाँ लाल मिर्च, क्योंकि मैं कम डालूंगी, हम लाल मिर्च कम खाते हैं। और इसको अच्छे से मिला लेना आप। तो मैंने काटते हुए भिंडी नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोलोगे बहुत लंबी वीडियो होगी, है लंबी वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने पहले भिंडी काट ली थी। अब इसमें मसाला मिला दिया है, और ये मैंने एक प्याज लिया है, 4-5 लहसुन की कली ली है, 2 टमाटर लिए हैं और हरी मिर्च ली है। ये बता दो कितने लोगों के लिए बना रहे हो? ये सिर्फ 2-3 लोगों के लिए। 4 हैं हम। अरे हाँ 4 लोग जो भी। बहुत जल्दी डिनर बना रही हूँ मम्मी, बहुत जल्दी बना रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, मुझे लेट पसंद नहीं है, और हम 7 बजे खाना खा लेते हैं, इसलिए अभी देखो आप। और छौंक में डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन, इससे सब्जी बहुत अच्छी बनती है अजवाइन से। और अब मैं इसमें और अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन, मुझे बॉटल बड़ी प्यारी लगती है। लहसुन लाल हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। मम्मी इसमें जब भी अजवाइन खत्म हो जाएगी ना मेरे को दे देना। दारू की नहीं है इसमें, दारू की नहीं होती है, जूस की होती है। बहुत से लोग दारू पीते हैं तो ये जूस की होती है। अभी प्याज डाल दिए हैं इसमें, थोड़े से लाल होने तक मैं इसको भूनूंगी। साथ साथ में सफाई भी करती रहूंगी किचन की। क्योंकि मुझे फायदा हुआ, किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये किचन फैली हुई है क्योंकि अभी इसमें पूरा काम हुआ नहीं है। अरे काम तो नहीं हुआ पर बाकी गंदा तो अच्छा नहीं लगता ना। क्यों फेस पे क्या हुआ? नहीं अरे मेरी तबीयत खराब है, देख क्या हो चुका। प्याज तो मेरे ज्यादा लाल हो गए भाई, ये देख प्याज थोड़े से ज्यादा लाल। और बनो चाय के तस्कर। मैंने चाय के तस्कर में ज्यादा लाल हो गए कि भाई साथ साथ चाय भी बन जाएगी। अभी मैंने इसमें हरी मिर्च टमाटर डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि जल्दी पक जाएगी, क्योंकि नमक डाल दूंगी। तेल ज्यादा नहीं हो गया इसमें? नहीं।
रखी है और साथ साथ मैं भी चाय भी चढ़ा देती हूँ क्योंकि चाय बहुत कम है। चाय बहुत कम है, मैं अकेली हूँ पीने वाली। इसके पापा गाँव गए हैं, बच्चे चाय पीते नहीं। तो मेरी प्याज भी टमाटर भी हो गए हैं, थोड़ी पक गए हैं बिल्कुल अच्छे से। ये देखो देखो बिल्कुल अच्छे से पक गए एकदम। अब हम इसमें डाल देंगे भिंडी, मसाले वाली। हाँ मसाले वाली भिंडी, ताकि मैंने इसी में मिला दिया था सारा मसाला। बड़ी कढ़ाई में बना रही थी, अरे मैं तेल की थी ना इसीलिए पहले, इसी में हो जाएगा। अब चक्कमाड़ी सी हो जाएंगी ये, और साथ साथ दिखा दे चाय भी होगी मेरी। और मसाला भी गिर गया। तो मैं इसको सब्जी में ही डाल दूंगी, वेस्ट क्यों जाएगा। सुपरमैन, वो तो मैं हूँ सुपरमैन, एक साथ दो काम कर दिए आज मैंने, चाय भी बन गई सब्जी भी। कोई नहीं, बात नहीं, मैंने तीन काम एक साथ करे थे। यहाँ पे चाय चढ़ाई थी, वहाँ कॉफी भी बना ली थी और वहाँ भिंडी भी धो दी थी। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है भाई मेरे को, क्योंकि मैंने छोटी कढ़ाई ले ली आज की दूसरी कढ़ाई, ताकि गंदी ना हो, आलस बस थोड़ी सी। पर ये अच्छे से बन जाएगी अभी, थोड़ी सी चाय शॉर्ट नहीं बनाई क्यों, ब्लॉग में ले रही हूँ तुम्हें। तो भिंडी हमारी बन गई है भाई, और आप इसे कृपया करके ढककर ना बनाना, क्योंकि खुली अच्छी बनती है। और लास्ट में आप इसमें नींबू निचोड़ देना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। वो तो खाते टाइम बताएंगे हम लोग। बर्फ कितने दिन हो गए मैंने बर्फ करी कर ली, थोड़ी सी ले ली है बस। कर क्या रहे हो, जोत लगा रही हूँ। खाना बैठ चुके खाने के लिए, दही है, भिंडी है और रोटी है। बता बहन खा के कैसी बनी सब्जी, मुझे तो अच्छी लगी, पर बाकी अपना सीत कौन खाटा बताओ, मैं नहीं बनाई, मैं तू खा के बता तो कैसी वैसे लगी। भिंडी पसंद नहीं है। अच्छी है, अच्छी लेकिन भैया भिंडी है, मेरे को पसंद ही नहीं है। अच्छा नमक कम है।